बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं फातमा, अपने चैनल डिस्कवर सिंगापुर के साथ। आज मैं आपको सिंगापुर के मशहूर इलाके लिटिल इंडिया में लेकर जा रही हूं। हम इस लिटिल इंडिया हेरिटेज ट्रेल को फॉलो करते हुए यहां की 200 साल पुरानी तारीख, तहजीब व तमद्दुन और मशहूर चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। लिटिल इंडिया में रहने वालों की एक बड़ी तादाद इंडियंस पर मुश्तमिल है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। मगर इससे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 1700 और 1800 की दहाई में सिंगापुर एक मशहूर तजारती मरकज़ रहा है। इस ज़माने में यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से लोग तिजारत के लिए आते थे। इसी ज़माने में इंडिया से भी बहुत से लोग आए और इस मखसूस इलाके में आकर रिहाइश पज़ीर हुए और इस तरह इस जगह को लिटिल इंडिया का नाम दिया गया। यहाँ पर आपको नई और पुरानी इमारतों का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आएगा। बहुत से सयाह खास तौर पर इस इलाके को देखने आते हैं और आजकल यहाँ दिवाली की सजावट काबिले दीद है। बाजारों की गहमा गहमी अपने उरूज पर है। तो आइए चलते हैं लिटिल इंडिया की तरफ, जिसे देखकर आपको अपने मुल्क की याद ताज़ा हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको कदीम इमारतें, शॉप हाउस और घर नज़र आ रहे हैं, इनमें से अक्सर इमारतें 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। तकरीबन 200 साल पुरानी तारीख व तहजीब के आसार आज भी यहाँ पर नजर आते हैं। इन तमाम इमारतों को खास तौर पर इसी तरह तारीखी यादगार के तौर पर महफूज किया गया है। पुरानी इमारतों के अलावा यहाँ पर कई कदीम और मशहूर हिंदू टेंपल और मस्जिदें भी मौजूद हैं। ये लिटिल इंडिया का एक मशहूर हिंदू टेंपल है, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में हिंदू अकीदतमंद पूजा के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको इंडियन और पाकिस्तानी खानों की एक बहुत बड़ी वैरायटी मिलेगी। चना चाट, पानी पूरी, दाल, सब्जी, बिरयानी से लेकर हर तरह के देसी खाने यहाँ पर बआसानी दस्तियाब हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की दुकानें नज़र आएंगी, जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान आपको बआसानी और मुनासिब कीमत पर मिल जाता है। ये लिटिल इंडिया की मशहूर मस्जिद मस्जिद अंगोलिया है। ये काफ़ी कदीम मस्जिद है और तकरीबन 130 साल पुरानी है। यहाँ पर एक वक्त में तकरीबन 2500 के करीब लोग इकट्ठे नमाज पढ़ सकते हैं। आजकल दिवाली की तैयारियां उरूज पर हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद नजर आ रही है। ये नया शॉपिंग सेंटर हाल ही में तैयार किया गया है। इससे पहले यहाँ पर पुराना मुस्तफ़ा की बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसे तोड़कर इसकी जगह ये नया और खूबसूरत शॉपिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ से आपको मुस्तफ़ा सेंटर की बिल्डिंग साफ नज़र आ रही होगी। आप में से बहुत से लोग जो सिंगापुर आ चुके हैं, वो मुस्तफ़ा सेंटर के नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। मुस्तफ़ा सेंटर एक बहुत पुराना और जाना माना शॉपिंग सेंटर है, जो कि 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ रोज़मर्रा ज़रूरियात की हर चीज़ बआसानी मुयस्सर है। हमारे यहाँ के देसी मसाले, सब्ज़ी, फल, हर चीज़ आपको यहाँ पर बआसानी मिल जाती है। रूफटॉप पे एक कबाब एंड करी रेस्टोरेंट भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर गेस्ट हाउस है, जहाँ पे के लोग आकर ठहरते हैं और यहाँ पर विजिटर्स का एक बड़ा हुजूम नज़र आता है, जो कि यहाँ से सुवीनियर और तोहफे तहाइफ मुनासिब दामों में खरीद कर अपने मुल्क ले जाते हैं। चलिए अब दिवाली बाज़ार की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेहंदी के स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर खूबसूरत मेहंदी लगाई जा रही है। यहाँ पर दिवाली की मुनासिबत से ख़ास इंडियन फूड भी नज़र आ रही है और सजावट का सामान जैसे दिए, रंगोली और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जो कि दिवाली पर सजावट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिंदू पूजा में इस्तेमाल होने वाला सामान भी है, जो कि बआसानी मिल जाता है। यहाँ बाज़ार में आपको इंडियन और पाकिस्तानी ट्रेडिशनल क्लोथ्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी नज़र आएगी। यहाँ साड़ियों से लेकर शलवार कमीज़, कुर्ते, हर तरह के ट्रेडिशनल क्लोथ्स बआसानी मिल जाते हैं।
ये लिटिल इंडिया की सबसे पुरानी और बहुत ही मशहूर साड़ियों की शॉप है, जो कि हनीफा टेक्सटाइल्स के नाम से मशहूर है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की साड़ियों की एक बहुत बड़ी वैरायटी बासानी मिल जाती है, और हर जगह आपको साड़ियों का एक ढेर नज़र आ रहा है, जिससे ये साफ ज़ाहिर है कि यहाँ के सेल्समैन आजकल अपने कस्टमर्स के साथ इतने बिजी हैं कि उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो इन साड़ियों को दोबारा से तय करके अच्छे तरीके से शेल्फ में वापस रख सकें। ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्द हजरात भी यहाँ से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े खूबसूरत कुर्ते, पजामे, ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आपको मैचिंग एसेसरीज भी यहाँ पर मिल जाती हैं, काफ़ी मुनासिब कीमत होती है। चूड़ियाँ अगर आपको चाहिए तो आपको चूड़ियाँ भी मैचिंग की यहाँ पर मिल जाएंगी। ये लिटिल इंडिया की मशहूर टिक्का मार्केट है, जहाँ पर के ताज़ा गोश्त, फल और सब्जियाँ बासानी मिल जाती हैं। टिक्का मार्केट के फर्स्ट फ्लोर पर एक बहुत बड़ी रेडीमेड कपड़ों की मार्केट है, जहाँ पर लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के रेडीमेड कपड़े बासानी मिल जाते हैं। यहाँ पर साड़ियाँ, काम वाले सूट, शरारे, कुर्ते, शेरवानी, कॉटन के सूट, हर तरह के कपड़े बासानी दस्तियाब हैं। आजकल क्योंकि दिवाली का ज़माना है, इसलिए ज़्यादातर फैंसी सूट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और लोगों का काफ़ी हुजूम मौजूद है जो कि दिवाली की शॉपिंग में मसरूफ़ है। उसके साथ साथ यहाँ पर टेलर्स भी बैठे हुए हैं, जो कि आपको फौरन ही ऑल्टर करके कपड़े दे देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भारी और काम वाले सूट नहीं लेना चाहते हैं और एक पार्टी वेयर को प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पर इस किस्म का सूट आपको तकरीबन 100 to 150 डॉलर के दरमियान मिल जाएगा। लिटिल इंडिया ट्रेडिशनल ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। यहाँ पर सोने के जेवरात की बेशुमार दुकानें मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के जेवरात नज़र आते हैं। आजकल दिवाली का ज़माना है, और दिवाली में क्योंकि ये लोग मैचिंग के जेवरात ज़रूर ख़रीदते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर शॉप्स में लोगों की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है, जो कि खूबसूरत सोने के जेवरात ख़रीद रहे हैं। अभी क्योंकि लंच टाइम है, इसलिए बहुत से रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स जो हैं वो तकरीबन भरे हुए हैं, उनमें बिल्कुल जगह अवेलेबल नहीं है, तो हमको यही इंडियन फूड सेंटर में जगह मिल पाई है। तो यहाँ पर हम आज मज़ेदार मसाला डोसे और टावर पराठा का लंच कर रहे हैं। मैं जिस जगह खड़ी हूँ, ये लिटिल इंडिया का एक जदीद हिस्सा है। यहाँ पर खूबसूरत बुलंदबाला होटल्स और फलकबोस इमारतें हैं। यहाँ पर एक नया शॉपिंग सेंटर सिटी स्क्वायर मॉल भी तामीर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक नया ट्रेन स्टेशन भी बनाया गया है। यहाँ पर आपको क्रिसमस की सजावट भी नज़र आ रही होगी, हालांकि अभी क्रिसमस आने में काफ़ी टाइम बाकी है, लेकिन सजावट का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। दिवाली के त्यौहार की वजह से पूरे लिटिल इंडिया को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, और ये खूबसूरती तो रात के वक्त और भी बहुत ही हसीन और दिलफरेब नज़र आती है। यही वजह है कि अक्सर लोग दिवाली के ज़माने में यहाँ की रौनकें और यहाँ की सजावट देखने के लिए ज़रूर लिटिल इंडिया का रुख करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त दें, फिर मिलेंगे डिस्कवर सिंगापुर में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।